चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के बरगद हैं। रिकॉर्ड 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनकी हाजिर जवाबी वाकपटुता का कोई सानी नहीं है। गजब की यादाश्त, कार्यकर्ताओं संग उनका जुड़ाव भी अपने आप में एक मिसाल है। ओम प्रकाश चौटाला साल 1970, 1990, साल 1993, साल 1996, साल 2000, साल 2005 और साल 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। एक बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। 70 के दशक में ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में सक्रिय हुए। 90 के दशक में वे ओम प्रकाश से चौटाला हो गए। चौटाला उनका पैतृक गांव है और अब यह सरनेम न केवल हरियाणा की सियासत में बल्कि सिनेमाई दुनिया में भी जाना पहचाना नाम है। धर्मेंद्र का मैसू चौटाले का जाट डायलॉग कौन भूल सकता है, तो चंद्रमुखी चौटाला और चक दे इंडिया की कोमल चौटाला का किरदार भी इसके उदाहरण है। सियासत के बरगद और भीष्म पितामह ओम प्रकाश चौटाला की कहानी पर एक नज़र। 1 जनवरी 1935 को ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ। अपने पिता चौधरी देवीलाल की सियासी नर्सरी में ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीति का ककहरा सीखा। चौधरी देवीलाल की पाठशाला से निकले विद्यार्थी ओम प्रकाश चौटाला आज भी हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े किरदार हैं। 1968 में ओम प्रकाश चौटाला ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद खोड़ से चुनाव हार गए। चुनाव को लेकर चौटाला ने पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। 1968 का चुनाव रद्द हो गया और 1970 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जीतकर ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के विधायक बन गए। इसके लंबे समय तक चौटाला ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। 1972, 1977, 1982 और 1987 के चुनावी समर में नहीं उतरे और इन चुनावों में चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अदा करते रहे। साल 1990 के आसपास चौटाला हरियाणा की राजनीति में जाना पहचाना नाम बन गए। अब वे ओम प्रकाश से ओम प्रकाश चौटाला हो गए थे। अपने पिता चौधरी देवीलाल के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद जब पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो प्रदेश की राजनीति में खूब हल्ला और हंगामा हुआ। दिसंबर 1989 में चौधरी देवीलाल केंद्र की सियासत में चले गए और वे उप प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। मेहम विधानसभा सीट से त्याग पत्र दे दिया। इसी बीच चौधरी देवीलाल के बेटों ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी जंग सामने आने लगी। खैर, चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला पर भरोसा जताया। ऐसे में 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। चूंकि अब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे, ऐसे में उनका 6 माह के भीतर विधायक बनना जरूरी था। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता की ओर से इस्तीफा देकर खाली की गई महम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। चौटाला का यह फैसला न केवल उनके लिए बल्कि उनके पिता चौधरी देवीलाल के लिए भी एक बड़ी सियासी भूल साबित हुआ। कभी महम में चौधरी देवीलाल के सारथी रहे आनंद सिंह दांगी चुनाव लड़ने की चाहत पाले हुए थी। कहीं ना कहीं महम की जनता भी उनके साथ थी। खैर, महम में फरवरी 1990 में उपचुनाव हुआ। पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई, गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए। दूसरी बार उपचुनाव हुआ, इस बार लोकदल के उम्मीदवार का मर्डर हो गया। ऐसे में 171 दिन तक मुख्यमंत्री की पारी खेलने वाले चौटाला की विकेट महम कांड के चलते गिर गई। इसी बीच चौटाला ने अपने विश्वास पात्रों में शुमार बनारसीदास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। गुप्ता 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार ओम प्रकाश चौटाला ने 12 जुलाई 1990 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महम कांड का दाग अभी भी चौटाला का पीछा नहीं छोड़ रहा था। 6 दिन बाद ही चौटाला को कुर्सी छोड़नी पड़ी। हरियाणा की राजनीतिक इतिहास में आज भी 6 दिन का कार्यकाल एक रिकॉर्ड है। चौटाला की जगह चरखी दादरी के विधायक मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। मास्टर हुकम सिंह का कार्यकाल भी 17 जुलाई 1990 से लेकर 21 मार्च 1991 तक ही रहा। इसके बाद चौटाला तीसरी बार
22 मार्च 1991 को मुख्यमंत्री बने। मेहम कांड के चलते न केवल चौटाला की कुर्सी चली गई बल्कि चौधरी देवीलाल को भी उप प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। खैर, चौथी बार चौटाला साल 1999 में मुख्यमंत्री बने। इस बार चौटाला ने सियासी चतुराई दिखाई। चौटाला के पिता देवीलाल उम्रदराज हो चुके थे। 1998 में चौधरी देवीलाल ने आखिरी चुनाव रोहतक संसदीय सीट से लड़ा था और वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हार गए थे। ऐसे में अब पार्टी में चौटाला सर्वे सर्वा थे। अप्रैल 1998 में विधिवत रूप से ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल नाम से क्षेत्रीय दल का गठन किया। 1996 में प्रदेश में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी। बंसीलाल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सरकार बनाई थी। अप्रैल 1999 के बाद से हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता गठबंधन की सरकार हिचकोले खाने लगी। जुलाई की उमस भरी गर्मी में एक रोज चौटाला हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। 24 जुलाई 1999 को विधानसभा में बहुमत साबित करने का दिन मुकर्रर था। बंसीलाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। उन्हें आभास हो गया था कि वे विश्वास मत साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चौधरी बंसीलाल ने 23 जुलाई 1999 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। 89 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चौटाला ने 45 विधायकों का समर्थन दिखाया और 24 जुलाई 1999 को चौटाला ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। इससे पहले चौटाला टुकड़ों में 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसे में अब चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में लंबी पारी खेलने की रणनीति पर काम कर रहे थे। किस्मत और समीकरण भी उनके पक्ष में जा रहे थे। अक्टूबर 1999 में संसदीय चुनाव हुए। कारगिल युद्ध के बाद हुए इस संसदीय चुनाव का असर पूरे देश सहित हरियाणा में नजर आया। इनेलो भाजपा ने मिलकर संसदीय चुनाव लड़ा और क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 सीटों पर इनेलो को और 5 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इस जीत से चौटाला बहुत उत्साहित थे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 2001 में होने थे, पर चौटाला ने संसदीय चुनाव में मिले अपार समर्थन के चलते विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाने का फैसला कर लिया। ऐसे में फरवरी 2000 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा और इनेलो ने मिलकर चुनाव लड़ा। इनेलो ने 29.61% मतों के साथ 47 सीटों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8.94% वोटों के साथ 6 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 31.22% के साथ 21 सीटों पर जीत मिली। चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हवीपा को 2 सीटों पर जीत मिली और उसे केवल 5.55% मत ही मिले। 16.90% वोटों के साथ 11 आज़ाद विधायक चुने गए। बंसीलाल खुद और भवानी खेड़ा से उनकी पार्टी ही जीत पाई। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह तोशाम विधानसभा सीट से धर्मवीर सिंह से चुनाव हार गए। ऐसे में चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 से लेकर फरवरी 2005 तक इनेलो पहली बार कोई स्थायी सरकार चलाने में कामयाब रही। ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने जीवन की सबसे लंबी पारी 24 जुलाई 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक खेली। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की राजनीति में चौपाल कल्चर को बढ़ावा दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए चौटाला गांव में किसी सार्वजनिक स्थान पर पहुंचते, तमाम विभागों के आला अधिकारियों के बीच ग्रामीणों संग संवाद करते और उनकी समस्याएं जानते। बंसीलाल के विपरीत चौटाला सार्वजनिक मंच से ही अफसरों को फटकार लगाने से गुरेज नहीं करते थे। चौटाला के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। वे 119 देशों की यात्रा कर चुके हैं। नियमित रूप से सुबह अखबार जरूर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, हमेशा साधारण भोजन करते हैं। दलिया, मोठ, अंजीर और सलाद उन्हें पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।